नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार के पर्यटन स्थलों को जानने के क्रम में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समस्तीपुर जिले की। बूढ़ी गंडक नदी पर बसा यह शहर पहले दरभंगा जिले का हिस्सा था, जो 1972 में दरभंगा से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथा कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल मौजूद है जो यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मन्नीपुर देवी स्थान की। मन्नीपुर देवी स्थान समस्तीपुर जिला में किसी आदिपीठ से कम महत्ता नहीं रखता है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर वारिसर नगर प्रखंड के मन्नीपुर में स्थित है। वैसे तो प्रत्येक दिन यहां सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में विशेष भीड़ जुटती है। खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को इस मंदिर की आकर्षण की बात करें तो गर्भगृह में माता की भव्य प्रतिमा है, जो बेहद आकर्षक है। मंदिर का तत्वरण द्वारा लाल रंग का है, इसके साथ ही जिस पर मनमोहक आकृतियां बनाई गई हैं, सामने पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण है, पास में एक तालाब है और मंदिर के पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यापति धाम की। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए, तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक आ पहुंचे। कहा जाता है कि मां गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया था। महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया, तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। यहाँ पर लंबे समय से महाकवि के नाम पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। इसके बाद लगातार यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चिल्ड्रन पार्क के। नगर परिषद क्षेत्र के 12 पत्थर मोहल्ला स्थित चिल्ड्रन पार्क में भी आप समय बिता सकते हैं, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब तक थोड़ा निर्माणाधीन, परंतु जल्द ही इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेम विहार मनरेगा पार्क बोचहा की। विद्यापति नगर प्रखंड के हरपुर बोचहा पंचायत में डुमर दह चौर में बने प्रेम विहार मनरेगा पार्क यहां का प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। आपको बता दें कि बेहतरीन प्राकृतिक स्थलों के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए इस पंचायत को सर्वोत्तम ग्राम पंचायत अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे थानेश्वर मंदिर के। जिला मुख्यालय में अवस्थित थानेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस जगह पर पूजा अर्चना 1901 में शुरू हो गई थी, बाद में 1952 में मंदिर का निर्माण हुआ। श्रावण महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सर्वाधिक जुटती है। बस स्टैंड के सामने होने के कारण लोगों को यहां आने में उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद अब हम बात करेंगे खुदनेश्वर धाम की। जिले के मोरवा का खुदनेश्वर धाम सांप्रदायिक सौहार्द के मिसाल है। इस मंदिर में एक ही छत के नीचे मुस्लिम महिला खुदनी बीवी की मजार और शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल उदाहरण खुदनेश्वर धाम की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर का नाम खुदनी मुस्लिम महिला के नाम पर रखा गया, जिन्हें इस स्थान के खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला और तत्पश्चात वो भगवान शिव की भक्त बन गई। इसके साथ ही इस मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मत्था टेक चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करियान की। करियान रोसेरा घाट रेलवे स्टेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर 2 और 6 शताब्दी की काफी वस्तुएं रखी हुई हैं। करियान में धार्मिक मान्यता है कि यहीं पर उदयाचार्य का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, जो एक विख्यात दार्शनिक थे। इसके बाद हम बात करेंगे रोसरा की। रोसरा कबीर पंथ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पूरे भारत में कबीर के कुल 15 मठ है, इनमें से 2 रोसरा में स्थित है। कबीर पंथी आज भी यहां आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सिखाए ज्ञान को आत्मसात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माली नगर की। माली नगर गांव दरभंगा जिले के पास में स्थित है, जो यहां बने भगवान शिव के मंदिर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की 5 फीट ऊंची मूर्ति रखी गई है, जो देखने में अत्यधिक सुंदर है। शिव भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस गांव में प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है और यह साल का सबसे व्यस्त समय होता है। अब हम बात करेंगे बसुआरी की। बसुआरी पूसा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव को यहां की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां घूमने के लिए लगभग पूरे बिहार से लोग आते हैं। अन्य गंतव्यों में आप सुरवाली
जा सकते हैं, जहां वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस स्थान पर 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा आप मंगलगढ़ जा सकते हैं, जो समस्तीपुर के हसनपुर ब्लॉक में दुधपारा के पास स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए उपदेश दिए थे और राजा मंगलदेव के आग्रह पर कुछ दिनों तक यहाँ ठहरे भी थे। कई बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ की यात्रा पर आते हैं। जिला मुख्यालय में स्थित खाटू श्याम मंदिर भी आप जा सकते हैं। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले का अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं, तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।